जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब लम्बितं भुजंग तुंग मालिका। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब लम्बितं भुजंग तुंग मालिका। डमट मिनाद भक्त बरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुन रिव शिवम। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में है एक सब छाया, उसकी भुजाएं बदली कथा, उसकी भुजाएं बदले कथा। क्या बात है, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में है तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदले कथा। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा विचित्र माया। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा विचित्र माया। संगमं रमन्निलिम्पुनिर्जरी विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि। धगत् 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 गलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी जटा भुजा। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि मैं क्या गा रहा हूं, क्या गा रहा हूं? ये भाई बोल रहे बाहुबली, मैं तो ये भी ठीक है भाई साहब, शंकर भगवान से बड़ा बाहुबली कौन होगा दुनिया में? बहुत ध्यान से सुनना, जोधपुर में पहली बार गा रहा हूं खेड़ापति बालाजी के दरबार में। भगवान श्री राम और रावण की राशि एक है, राम और रावण, और दोनों का धर्म का युद्ध है। रावण अधर्म के रास्ते पे चल रहा, प्रभु श्री राम धर्म के मार्ग से चल रहे। दोनों की राशि एक, लेकिन दोनों का मंतव्य अलग अलग है, दोनों का विषय अलग अलग है, दोनों के रास्ते अलग अलग है, लेकिन दोनों ही भोलेनाथ के भक्त हैं। मैं छोटी सी कहानी एक सुना रहा हूं, शायद ऐसा होगा क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ जब होती है भाई साहब
तो उसमें भंडारे में डीजे बाजे नाचना पड़ता है, गाना भी पड़ता है, हालांकि मैं नहीं गाता लेकिन माहौल ऐसा होता है तो वो करना भी पड़ता है, वो वाजिब भी। अपने मारवाड़ी में एक कहावत है कि जेड़ो बाजे बायरो बेड़ी लीजे। हाँ ओट क्या बात है, मुझे आप पर पूरा भरोसा था, क्योंकि इतिहास बदलने वाले लोग कुछ अलग ही होते हैं भाई साहब, जैसे मोदी जी है। बस आप मुझे माहौल दे दो तो मैं चौकीदार तक भी पहुंच जाऊंगा, लेकिन मिलो तो सही यार, दूर दूर क्यों भाग रहे हो, थोड़ा करीब तो आओ, पूरी मस्ती देके जाऊंगा। दक्षिण भारत में एक स्थान है रामेश्वरम धाम, भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई कर रहे, भाई साहब पहली बार आप ही सुनेंगे कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान ने सोचा कि मैं शिव आराधना करूं, भोलेनाथ को बोल के जाऊं, तो समुद्र के किनारे मिट्टी जुटाई, मिट्टी को शिवलिंग बनायो और भगवान श्री राम उस भोलेनाथ के उस शिवलिंग की आराधना करने में लग गए और बहुत ध्यान मग्न हो गए। सुग्रीव की वानर सेना है, हनुमान जी साथ में है, तो सुबह बैठे तो शाम हो गई, सभी लोगों ने विचारों पड़ गए कि आखिर में भगवान कहां खोए हुए हैं, और भगवान प्रभु राम ने ऐसा ध्यान लगाया कि कैलाश पर बैठे भोलेनाथ स्वयं भगवान के उस ध्यान में मग्न हो गए। तो इधर से हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु इतने गहरे ध्यान में कहां हो, किसके ध्यान में गए हो, ध्यान से सुनना दोस्तों। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान राम का जो ईश्वर है, बजाओ, आपको रेस्ट है ही नहीं, राम का जो ईश्वर है मैं उसको देख रहा हूं। उधर भोलेनाथ भी भगवान की उस भक्ति में से खो गए तो बहुत देर तक आंखें खोली नहीं, मैया पार्वती को चिंता हुई, पार्वती ने कहा कि ओ बाबा कठे हो, तो भोलेनाथ ने क्या जवाब दिया, पार्वती ने पूछा कि भोलेनाथ कहां खोए हो, तो भोलेनाथ ने कहा कि ईश्वर का जो राम है, राम ने कहा कि राम का जो ईश्वर है, और भोलेनाथ ने कहा कि ईश्वर का जो राम है मैं उसको देख रहा हूं, और उस दिन से उस स्थान का नाम पड़ा रामेश्वरम, जो आज चारों धामों में भारत के अंतिम छोर में बलि रामेश्वर महादेव। ये बात अलग, उधर रावण भी भोलेनाथ की भक्ति करता, तो रावण ने भोलेनाथ की भक्ति करते 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 भोलेनाथ को ऐसा प्रसन्न किया कि रावण जब कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए गया दोस्तों, तो भोलेनाथ रावण की भक्ति पर बड़े प्रसन्न है। रावण ने हाथ जोड़ के जैसे भोलेनाथ के दर्शन किए, भोलेनाथ ने कहा जा भक्त तेरी भक्ति पर बड़ा प्रसन्न हो, जा ये सोने की लंका तेरी। रावण को सोने की लंका दे दी, रावण वापस आया तो भोलेनाथ के प्रति भक्ति तो बढ़ गई लेकिन थोड़ा लालच भी जग गया कि डोगरो ही तो बड़ो है। कुछ समय पश्चात एक दिन रावण फिर चला, दूसरी बार भोलेनाथ और डोगरो भांगरी मस्ती में मस्त था, क्वालिटी मेंटेन ही। रावण हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, भोलेनाथ ने कहा जा भक्त तेरी भक्ति पर और प्रसन्न हो, मैं तुझे अमृत देता हूं, जा अमृत कलश। रावण को अमृत कलश मिल गया, बोले तू कभी नहीं मरेगा, तेरी देह कभी नहीं मरेगी, तू जीवित रहेगा। रावण बड़ा ज्ञानी था, रावण के पास धन हो गया, रावण के पास न मरने का वरदान हो गया, तीन चीजों से व्यक्ति ऊपर बढ़ता, लेकिन पतन भी जब होता है तो इन तीन चीजों के कारण से होता है। मित्रों ज्ञान अधिक हो जाए तो दूषित हो जाता है, धन अधिक हो जाए तो अभिमान हो जाता है, और यदि ना मरने का वरदान मिल जाए तो अभिमान की पराकाष्ठा हो जाती है। रावण अभिमानी हो गया,
बोले मेरे से बड़ा नहीं, फिर भी भोलेनाथ को नहीं भूला। तीसरी बार फिर चला, भोलेनाथ समाधि में लीन बैठे हैं, रावण हाथ जोड़ के खड़ो यो, एक घंटो बीतो, दो घंटा, तीन घंटा, दिन बीत गयो, दो दिन हो गया, छह महीना, साल हो गया, और करते करते दोस्तों पूरे 12 वर्ष बीत गए। रावण 12 साल तक तो काट हो रहे हो, लेकिन 13वीं वर्ष रावण का अभिमान भोलेनाथ के सामने भी प्रकट हो गया। रावण ने अहंकार पूर्वक जिस शिला पर भोलेनाथ विराजमान है, रावण ने उस शिला को उठाने की कोशिश की कि लंका ले जाता हूं, वहीं बात कर लूंगा जब खोलेंगे आंख। और ऐसा विचार करके रावण ने जैसे ही शिला को उठाने का प्रयास किया, शिला के हिलते ही भोलेनाथ की समाधि खुल गई। लेकिन समाधि खुलते ही मन में प्रश्न आया कि ये दुस्साहस कौन कर सकता है, ये कार्य कौन कर सकता है, मेरे आसन को हिलाने की हिम्मत किसकी। आंखें खोली तो हुदरी उड़ी पार्टी रो आदमी हुबो, बोले रावण। लेकिन मन में आया इसको चमत्कार नहीं दिखाया तो ये दुनिया में त्राही त्राही करेगा, ये दुनिया को तंग करेगा, दुनिया को परेशान करेगा। और भोलेनाथ ने बैठे बैठे अपने दाहिने पैर के अंगूठे को हिलाया। थोड़ा सा अंगूठे को दबाया और अंगूठे को दबाते ही शिला वापस नीचे दबनी शुरू हो गई। रावण ने बहुत ताकत लगाई, लेकिन रावण की ताकत जब समाप्त हो गई, शिला पड़ गई, रावण भी आधा नीचे दब गया। मरने का भय, सामने मृत्यु है, तो रावण ने भोलेनाथ के उस क्रोध को शांत करने के लिए जो कुछ बोला, अरे बाबूजी आप तो बड़ा आदमी हो, आपके माथे में तो गंगा है, आपकी जटाओं में तो चंद्रमा है, आपके ललाट से धधक धधक कर ज्वालाएं निकलती। तो मित्रों वो जो शब्द कहे उनको शिव तांडव स्तोत्र कहा जाता है, मैं उसकी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, ताली बजाओ। विलोलवीचिवल्लरी विराजमा मूर्धनि धगत् धगत् धगत्वलल ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति रतिक्षणं मम। आप लोग पढ़ना,
कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, कौन है वो, कौन है वो, चारों दिशाओं में है तुझ सब छाया, उसकी भुजाएं दिल की कथा, भागीरथी तेरी तरफ शिवजी चले थे, जरा ये विचित्र माया, ये विचित्र माया, ये विचित्र माया, ये विचित्र माया, शिव शंकर भोलेनाथ की, बोले श्री अजमलगढ़ अवतार की।